ये जो कहते हैं कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट कौन लागू करेगा, अरे मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछना चाहता हूं, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट 2005 के अंदर घोषित हुई थी, आप उसके 2009 में चेयरमैन बने थे, उस समिति के क्रियान्वयन करने के लिए उसको कैसे लागू किया जाए। 2009 से 2014 कांग्रेस की सरकार केंद्र में भी थी, हरियाणा में थी, बताओ स्वामीनाथन रिपोर्ट का एक भी पहलू लागू किया हो तो? एक भी नहीं किया। और हमने आने के बाद हमने मुआवजा जो पहले 7,500-5,500 रुपया था, हमने 12,000 रुपया किया। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की, हमने उसकी लागत कैसे कम आए इसके लिए योजनाएं दी, और लागत के ऊपर 50% का लाभ कैसे मिले, 17 फसलों का हमने MSP डिक्लेयर किया। और कुछ फसल तो ऐसी है, आप तो इस इलाके में रहते हैं, बाजरा भी खूब होता है, बाजरे पर तो लागत का 90% लाभ ये हमने घोषित किया। और आपने देखा होगा पिछले बाजरे के सीजन में एक एक दाना हमने खरीदा है, एक एक दाना खरीदा। और हमने सरसों के लिए अभी तय किया था कि 25% सरसों खरीदेंगे, हमने केंद्र को कहा तो उन्होंने कहा ठीक है 40% भी खरीद सकते हैं, केंद्र 40% खरीदेगा, बाकी हरियाणा सरकार खरीदेगी एक एक दाना।